एमसीडीयू में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सिंह मान आज आपके लिए क्राफ्ट लेके आया हूँ। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, उनका नाम है आयुष, अक्षय शर्मा, उदित, वैभव, स्वास्तिक। हमें ये क्राफ्ट बनाने के लिए फेविकॉल, एक बैंगल, एक स्टेपलर, पेन, सीजर और कुछ मैगजीन के ऐसे कवर्स जो थोड़े से ठीक है, इनके ऊपर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ऐसे रख के ट्रेस कर लेंगे हम और इसे सीजर से हम इन्हें कट करेंगे। ऐसे हमने 20 सर्कल्स कट करने हैं। इन 20 सर्कल्स के बाद हम इन्हें करेंगे ट्रायंगल में फोल्ड। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे और ऐसे, इसको ऐसे ट्रायंगलर फोल्ड करेंगे। इसके जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे से क्रीज होने चाहिए। और ऐसे इसको ऐसे पॉइंटेड होना चाहिए। और अगर ये नहीं हो रहा पॉइंटेड तो इसे पॉइंटेड करेंगे लाइक दिस। इस तरह से हम 20 ट्रायंगल्स बना लेंगे और इनको ऐसे एक पार्ट को ओपन कर देंगे। अब इनको पहले हमने 10 पहले एक वाइट ले लेते हैं, ऐसे एक नीचे एक ऊपर, एक कलर्ड और एक वाइट। इसके भी दो पार्ट ओपन कर रहा हूं। एक कलर और एक वाइट ले रहे हैं। One, two, three, four, five. अभी ने हम इस फेविकॉल से या स्टेपलर से पेस्ट कर देंगे या पिन कर देंगे। इस तरह से हमने इसे स्ट्रॉन्गली पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद हम इसके फाइव ट्रायंगल्स को इस तरह से पेस्ट करेंगे। इसमें भी ऐसे ही करते हैं, एक वाइट और एक कलर ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इनको भी हम पेस्ट कर देंगे या स्टेपल कर सकते हैं। इसे ऐसे पेस्ट करने के बाद हम इन दोनों को, लास्ट वालों को जब ऐसे पेस्ट करेंगे तो ये ऐसे पॉइंटेड हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं अगर आप ये बाहर दिखाना चाहते हैं, और अगर आप इसे स्मूथ बॉल बनाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। बट मैं इसे थोड़ा सा स्ट्रांग बना रहा हूँ। ये डी वाली शेप हम बाहर की तरफ लेंगे और इसको लास्ट में ऐसे स्टेपल कर देंगे। ओके, अब ये ऐसे एक पार्ट बन गया। बाकी हमारे पास जो फाइव है इसका भी हम सेम यही बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा बेसिक मटेरियल तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे दोनों तरफ से ओपन कर देंगे और इन दोनों को ऐसे आपस में स्टेपल कर देंगे। इस तरह से अब ये इसके ऊपर ऐसे
इसके पॉइंट्स, ये जो पॉइंट मिल रहे हैं इनको स्टेपल कर देंगे। इस तरह से एक बास्केट भी बन गया। इसके अंदर भी आप कुछ हैवी मटेरियल डाल सकते हैं और ये देखिए टूटेगा नहीं, बहुत स्ट्रांग है। और आप इसको चाहें तो एक बॉल की तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर ये ऑल साइड इसके स्टेपल करके। और हम इसे चाहें तो इसकी ये एक कैप भी बन सकती है, एक छोटा सा सामान रखने के लिए। इसके अंदर टॉफीज, कैंडीज वगैरह आप इसको डाल सकते हैं। और फिर इसको हम नहीं उसके लिए यूज कर रहे हैं और हैंगिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम इसे यहाँ से स्टेपल कर देंगे। हम एक और नया क्राफ्ट बनाने जा रहे हैं, उसके लिए टूल्स हैं पेन, बैंगल, सीजर, कुछ मैगजीन के पेपर या फिर नोटबुक, जो पुरानी प्रीवियस आपके नोटबुक्स हैं जो पूरी भर चुकी हैं, उसका जो बैक साइड होता है बहुत स्ट्रांग। अब हम ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर कुछ सर्कल्स। ऐसे इन सर्कल्स को हम क्या करेंगे, हाफ फोल्ड कर देंगे। तो वन, टू, इस तरह से ये दो हमने छोड़ दिए हैं। इसका हम बता दें क्या करेंगे, ऐसे हम एक धागा भी ले सकते हैं, उसे हम ऐसे यहाँ से कट कर देंगे और उसके बाद इसके सेंटर में हम पेन से एक होल कर देंगे। इस तरह से हैंग हो जाएगा। इसके बाद हमें इसके अंदर कट लगाना है, तो हम इतना सा मार्क कर देंगे। हमें कितना कट लगाना है और ये इतना ही कट लगेगा। इसके बाद ये जो हमने कटिंग की है, इस कटिंग को अपर पार्ट ऐसे, इस तरह से इसके एज में सेकंड सर्कल हम ऐसे लगा देंगे।
उसको ऐसे हमने पुश करना है आगे की तरफ ताकि अंदर तक लास्ट तक चला जाए।